ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। ओहो, अरे बाबा इस बार खर्चा बहुत हो गया है, देखो बिजली का बिल ही 40,000 रुपए आया है बाबा। हाँ बच्चों सही कह रहे हैं, बहुत महंगाई हो गई है। मेरा मेकअप जो पिछले महीने 20,000 रुपए का आया था, इस महीने 28,000 रुपए का आया है। अरे बाबा इसमें भी थोड़ी कटौती हो सकती है, ये इतना कोई जरूरी सामान तो नहीं है ना? हाँ बिल्कुल हो सकती है कटौती, लेकिन आप और आपकी बहन जो दिन में 15 से 20 बार चाय पीते हैं, वहां से क्यों ना शुरू की जाए? आलीजा अगर जान के बदले में माल पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? बाबा किसकी जान के बदले? मेरी नन्ही सी जान के बदले। अरे बाबा तुम्हारी जान के बदले कोई चूरन ना दे, तुम माल मांग रहे हो? ओहो बच्चों क्या हो गया आपको, वो जो कहने आया उसे वो तो बोलने दे। हाँ बताओ जानी क्या कह रहे थे? जी मैडम आजकल काफी खर्चा होने लग गया, आपको पता ही है कि आजकल कितनी महंगाई है। हाँ तो बाबा जानी तुमने भी कटौती का फैसला किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया बाबा। वो असल में मैडम अगर मेरी सैलरी बढ़ जाती तो सही से मैनेज हो जाता। अरे बाबा मैनेज करने लायक होते तुम तो यहाँ मैनेजर होते। बच्चू ये बेचारा परेशान है और आप फजूल की बकवास किए जा रहे हैं। अच्छा तो फिर मैं हाँ समझू? बाबा रिश्ता लेकर आए जो हाँ समझू। जानी मैं बिजनेस की सेटिंग देके फिर तुम्हें बताती हूँ। मैडम जरा अच्छे से देखिएगा और हाँ इनको भी जरा काबू में रखें। जाओ ये हाँ कर देगी तो मैंने ना कर दी हमेशा। बात करता है मैं हद करता हूँ बाबा, सैलरी वो बढ़वा रहा है, हद मैं करता हूँ। एक तो जानी दरवाजा भी नहीं खोलता, ये सारे काम मेरे को ही करने पड़ते। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? जी मेरा नाम बचत आ रहा है और मैं बचत होगी के महकमे से आया। बचत आ रहा, ये तो वाला छोकरी वाला नाम है। यकीनन मुकम्मल जाहिल औरत, ये आर राय की जमा है। मैं उस महकमे से आया हूँ जो घर पे जाके मुफ्त के बचत के मशवरे देता है। अच्छा अच्छा दूसरा महकमा बचत हो गई। ये हमारे महकमे ने एक नया महकमा तख्लीक किया, ये उन लोगों के लिए है जो लोगों से बचत नहीं हो रही। ये उन लोगों के घर पे जाके फ्री के बचत के मशवरे देता है और उन लोगों से बचत करवाता है। अरे बाबा ये तो बहुत अच्छी बात है, इस दौर में भी भला कोई किसी के लिए कुछ फ्री में कराए तो बहुत अच्छा है। अब आपके इदारे में रिश्ते कराने का भला काम नहीं करते क्या? कैसी बात कर रही हैं आप? आइए आइए अंदर में आपकी मुलाकात कर दे मेरे दाबाचू से। आइए आइए आप खूबसूरत है। थैंक यू जी। आइए 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 आइए। अरे भाई घर में इतनी सारी लाइट्स क्यों ऑन है? अरे बंद कीजिए, इस तरह कैसे होगी बचत? अरे पापा अगर लाइट बंद कर देंगे तो फिर नजर कैसे आएगा? अरे भाई मैं सारी लाइट्स बंद करने का थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि सारी लाइट्स बंद करके सिर्फ एक ऑन कर दें भाई, तभी तो होगी ना बचत। अरे भाई इस तरह का लड़का पसंद करना था तो हमें क्या बुराई थी? जानी ये रिश्ता नहीं है। वैसे इस तरह की चीज से रिश्ता बनता भी नहीं। अरे अदी जरीना ये कौन है बाबा? अदा ये बचत आ रहा है। बचत आ रहा? ये कैसा नाम है? अरे भाई ये ऐसे ही नाम है और मैं आया हूँ महकमाए बचत होगी से। अरे बाबा ये कौन सा महकमा है? भाई ये महकमा आप जैसे लोगों के लिए बना है, जो लोग बचत करना तो चाहते हैं लेकिन बचत कर नहीं पाते, तो इसीलिए हम लोग उनके घर पे जाके फ्री में ट्रेनिंग देते हैं बचत करने की। अरे बाबा मुफ्त में? क्या बात है बाबा, मुफ्त में दे रहे ट्रेनिंग, वाह वाह। मुफ्त में खाना नहीं दे रहे जो इतना खुश हो रहे हैं आप? अरे भाई मुफ्त में आजकल कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग आपको फ्री ट्रेनिंग देने आए हैं। अच्छा अच्छा बाबा एक काम करो ना बाबा, चाय पानी पूछो साहब से। अब चाय पिलाने का क्या फायदा, मुफ्त की बचत ट्रेनिंग तो देने आए। वैसे
आप काफी समझदार इंसान दिखाई देते हैं, क्योंकि आपने पहले ही कपड़ों में बचत की हुई है। वो इसलिए ना कि जरा मालिक और नौकर, मेरा मतलब है मालिक और नौकर का कुछ फर्क तो हो ना। नौकर? अच्छा भला ये तो बताइए कि हमें कैसे बचत करनी होगी। अरे भाई बताते हैं बताते हैं, अब तो हमने यहीं रहना है, बता देंगे। क्या? अरे बाबा इस वक्त कौन आ गया है? जानी होगा। एक तो जानी ने बड़ा परेशान किया है बाबा, ना सुबह सोने देता है ना दोपहर में। दरवाजा तो खोले जाके। आ बाबा देखता हूँ देखता हूँ। अरे बाबा आ रहा हूँ, सबर करो। अरे सबर करो बाबा आ रहा हूँ। अरे बाबा आप आ जाओ बाबा आ जाओ। आप बाबा इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई मैंने आप लोगों को बताया तो था कि मैं बचत करवाने आया हूँ। बाबा वो तो ठीक है, हमारे कमरे में क्यों आए हो बाबा इस वक्त? आप ये बताइए कि आप लोग क्या कर रहे थे? बाबा सो रहे थे। आपके कमरे में एक ही वक्त में पंखा और एसी दोनों चल रहे हैं। हाँ बाबा इंसान सोएगा तो एसी तो चलाएगा ना। अरे नहीं 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 नहीं, ये फजूल खर्ची है। अरे ऐसे बचत कैसे होगी? आप लोग एक काम कीजिए, आप दोनों बाहर आइए लाउंज में, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दिन कैसे गुजारा जाता है। आइए। अच्छा बाबा। अरे बाबा सीमा अब बाहर जाना पड़ेगा, इसकी बातें सुननी पड़ेगी, इस वक्त नींद आ रही है, सोने भी नहीं देता ये आदमी। कोई बात नहीं बच्चों, चलते हैं ना भाई, हमें भी कुछ सीखने को मिल जाएगा, वैसे भी हम भी तो यही चाहते हैं ना। हाँ बाबा चाहते तो हैं, चलो आओ बाबा चलें। देखिए भाई बचत इसी तरीके से होगी। अरे आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए आइए। अरे बाबा हमारे घर में हमी को बिठा रहा है देखो। अरे तो क्या हुआ? देखे भाई आज के बाद इस घर में दिन में कोई नहीं सोएगा। क्या क्या? हाँ, और ना ही कोई एसी चलाएगा। अब क्या भला हम बगैर एसी के सोएंगे? ऑक्सीजन बंद करने का नहीं कह रहा, एसी बंद करने का कह रहा हूँ, तभी तो होगी ना बचत। देखिए जितने पैसे वाले हैं ना उनको तो एसी से ऑक्सीजन मिलती है, ये बेचारे गरीब है जो बगैर एसी के ऑक्सीजन हासिल कर लेते हैं। देखो भाई ये अमीरी और गरीबी का फर्क मिटाने ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ। तो क्या इससे बचत हो जाएगी? भाई ये तो पहली चीज थी। दूसरी चीज ये कि अब से इस घर में चार लोगों की जगह सिर्फ दो लोगों का खाना बनेगा। सच्ची? मैडम और साहब जी जा रहे हैं कहीं? अरे नहीं नहीं, ये चार लोग सिर्फ दो लोगों का खाना हाफ हाफ पेट खाएंगे। आधा पेट? हाँ देखिए इसको तो चार बंदों का मैं खाना खिला देता तो फिर भी पूछती जानी ए, बस इतना। वैसे आप भी कुछ ज्यादा ही कपड़े पहनते हैं, आपको भी कपड़ों में कुछ बचत करनी पड़ेगी अपने नौकर की तरह। अरे बाबा क्या मैं भी आधी पतलून में घूमूंगा क्या? अरे शुक्र करें हम आपको आधे कपड़ों की भी इजाजत दे रहे हैं। बच्चू भाई देखिए मुझसे भी कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ वैसे तुमने नीचे तो बचत कर ली मगर ऊपर बहुत फजूल खर्ची कर दी। क्या मतलब? बताता हूँ बताता हूँ। जानी ले भी आओ चाय। खाली आप क्यों आ गए हो? अरे बाबा तो क्या मिठाई लेकर आता हाथ में? अरे बच्चों ये जाने जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? अरे बाबा वो बचत आ रहा की वजह से, बचत करने की वजह से उसने मुझे ये कपड़े पहना दिए। ये लीजिए सीमा मैडम ये लिया। और जाने तुम्हारा कोट कहाँ गया? बस रिसेशन की नजर हो गया। रिसेशन? कैसा रिसेशन? अरे बाबा वो बचत आ रहा, बचत के नाम पे सब कुछ उतरवा दिया उसने बाबा। बाबा ये क्यों हंस रही है? अदा वैसे आपको देख के ऐसा लगा कि जानी का डुप्लीकेट चल रहा है। अच्छा भला ठीक है ठीक है। अरे बाबा वो बचत आ रहा भला किधर है? वो तो बच्चू भाई के कमरे में एसी ऑन करके सो रहा है। क्या बात कर रहे हो बाबा, हमें यहाँ गर्मी में बिठा कर हमारे कमरे में एसी चला कर सो रहा है? अभी देखता हूँ बाबा। जाए 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 जाए, आप भी मेरी तरह जलील होके आएंगे। क्या मतलब? अरे बाबा ये क्या तरीका है, हमारे बिस्तर पे सो रहे हो, हमें बाहर गर्मी में बिठा के वो भी एसी चलाकर। तुम्हें तो पता है ना हम हैं महकमा बचत से। अरे बाबा मेरी तरफ तो देखो। और बाबा हम लोग? तुम हो हमारे समझदार लोग। बाबा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जाते हुए लाइट बंद कर। बाबा
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मेरी बेइज्जती कर रहा है? किसी ने देखा तो नहीं है ना? कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। जाने। हाँ मोहतरमा, आगे खिसकिएगा। जानी भाई खाना ले आओ। ये लीजिए चंदा। अरे बाबा, ये तो तकरीबन 8 लोगों का खाना है। आपने तो कहा था बचत करनी है, कम खाना है। अरे हाँ, वो तो आप लोगों के लिए था। बाकी का सारा खाना मेरे लिए। क्या जानी, एक काम करो, ये खाना सर्व करने के बाद सारी लाइटें बंद कर दो। दिन में बिला वजह लाइट जल रही है, इस तरह बचत नहीं होगी। अरे अभी तो रात ही हो रही है। रात? अरे भाई पता ही नहीं चला, वो एसी वाले रूम में इतनी अच्छी नींद आई ना, पता ही नहीं चला रात कब हो गई। एक काम करो जानी, तुम कैंडल लेकर आ जाओ। हाँ बाबा, ये अच्छा आइडिया है, कैंडल लाइट डिनर का मजा आएगा। कैंडल का ही मजा आएगा आपको, जब खाने में मजा आने लगेगा ना तो खाना खत्म हो चुका होगा। अरे वो भला क्यों? अरे भूल गई, बचत। हाँ बचत बचत बचत। लेकिन इस तरह से तो हम सब कमजोर हो जाएंगे। मोहतरमा, ना खाने से कमजोर होते हैं, खाना खाने से कमजोर नहीं होते। और वैसे भी हमारे इदारे को आप लोगों की सेहत का बहुत ख्याल है। बाबा बहुत अच्छा ख्याल है। अच्छा एक काम करो, तुम ये सारा खाना उठा लो, ये जो बिरयानी है थोड़ी सी, मैं इसे काम चला लूंगा। अरे बाबा हमने तो अभी खाना शुरू भी नहीं किया है। तो अच्छा है ना, खाली पेट सोने से नींद अच्छी आती है। शुक्र है भाई के पास नींद का बचत प्रोग्राम नहीं है। है ना, बिल्कुल है। अरे बाबा क्या है बाबा, मैं जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ बाबा। सारा खाना खा दिया यहाँ से। आप कैसे जाएंगे? दादा फिर होने की जरूरत नहीं है। ओहो कौन है भला? आप इस वक्त भला सब कह रहे? जी मैं देखने आया था कि रात में पानी के लिए कौन कौन उठता है। आप क्या खुद ही देने आए हो? जी जी बिल्कुल, ये लीजिए। बाबा ये तो बहुत गर्म है, तुम मेरे को पानी पिला रहे हो, मेरा गला खराब करने आए हो। दरअसल वो फ्रिज बंद है। फ्रिज? अल्लु बड़ा, इतनी गर्मी में बना फ्रिज को भी अभी खराब होना था। मोहतरमा मैंने कहा फ्रिज बंद है, खराब नहीं। किसने किया? मैंने। भाई रात भर अगर फ्रिज चलता है तो बिजली का बिल आएगा, तो भाई बचत कैसे होगी, यही तो बताने मैं आपको यहाँ पर आया हूँ। शुक्र है बाबा, आपके पास सांस लेने पर बचत का फार्मूला नहीं है। है ना, बिल्कुल है, अभी बताता हूँ। बस खबरदार, एक लफ्ज भी बोला जब से हमारी जिंदगी तबाह कर दी है, अल्लाह तेरे को पूजेगा। देख लेना कीड़े पड़ेंगे, गला जला दिया मेरा, अल्लाह पूजे तो खे। बच्चू क्या हो गया, क्यों अपने घर में ताका ताकी कर रहे हो? बच्चू बाबा शोर नहीं मचाओ। क्यों घर में कोई डाकू आ गया क्या? अरे नहीं बाबा, वो आया हुआ है ना बचत वाला डाकू, बाबा उसको देख रहा था कहीं बाहर ना खड़ा हो। उस बेचारे ने क्या किया बच्चू? शुक्र करो बाबा हम जानवर नहीं है, वरना वो बेचारा हम बेचारों को बगैर चारे के मार डालता। क्या हो गया बच्चू, क्यों ऊटपटांग बातें कर रहे हो? बाबा सब छोड़ो, मेरा हलवा पूरी खाने का दिल कर रहा है, नाश्ते में चले। हाँ हाँ गुड आइडिया, मेरा भी दिल चाह रहा है। चलो बाबा चलो देखते हैं। चलो 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 हलवा पूरी खाएंगे। ये की? अरे बाबा ये किस जगह पे सो रहा है? च,
नीचे बड़ा गेट, बड़ा गेट। अरे बाबा ताला लगा है, इसकी चाबी भी इसी के पास है बाबा। अब ये यहाँ सो रहा है तो कैसे जाएंगे? बाबा इसको उठाना पड़ेगा। तो बच्चों उठाओ ना इसे। हाँ बाबा हाँ उठाओ। अब बाबा नाम क्या था इसका? बचतारा। बचतारा साहब, अरे बचतारा साहब। क्या हुआ, आप लोग उठ गए और सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? वो जरूरी काम से जा रहे थे। कौन सा काम? वो पूरी पूरी। बाबा वो इनका मतलब है कि नींद पूरी हो गई थी ना, तो हम मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करता हूँ ना, मैं भी साथ ही चलता हूँ, रास्ते में आप लोगों को बचत के नए नए तरीके भी सिखा दूँ। आ जाए भाई, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए भाई, आ भाई। बाबा जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, वो बच्चा तारा कभी भी आ सकता है। हाँ बाबा ये बात, ये बात भी है। और हाँ, हमारी खुशियों और भूख पर अपनी बचत का आरा चला देगा। बच्चू भाई कसम से रात से कुछ भी नहीं खाया, हालत इतनी खराब हो रही है मैं बता नहीं सकता। अरे पैसे गई पानी में। भैंस? अरे नहीं 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 भाई, महंगाई बहुत हो गई है तो आप लोगों को बकरी से ही काम चलाना पड़ेगा, तभी तो होगी ना बचत। अरे बाबा फिर बकरी की भी क्या जरूरत है, एक काम करते हैं मुर्गी से काम चला लेते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ मुर्गी भी छोड़ो, चूजे से काम चला लेते हैं। मैं तो कहता हूँ अंडा ही कर लें। अरे वेरी गुड, लगता है आप लोग सीख रहे हैं। अब मैं आप लोगों को और बचत करने के तरीके सिखाता हूँ। अरे बाबा मजीद कितनी बचत का बताओगे बाबा, आधी पतलून में तो ले आए हो। अरे फिलहाल तो मैं आप लोगों का नाश्ता करके आप लोगों की मजीद बचत करा दूं, बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब भला हमारा नाश्ता करेंगे, आप लोगों की कौन सी बचत होगी? देखे भाई ये नाश्ता आप लोगों के लिए आया था। जी हाँ। और खा मैं रहा हूँ। हाँ जी। तो आप लोगों की हुई ना बचत। भाई हमारी एक्सपर्टीज है खाने की, इसीलिए मैं खा रहा हूँ। हाँ बाबा ये बात सही कही आपने। देखे भाई आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, वो क्या है ना हमें किसी के सामने खाना अलाउ नहीं है। मेरा मतलब है कि अगर मैं खाऊंगा और आप लोग मेरा चेहरा देखेंगे तो आप लोगों पर मुझे तरस आ जाएगा। तो बाबा अच्छी बात है ना, तरस आएगा, हमें भी कुछ खाने को मिलेगा ना। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे जब तरस आएगा तो मेरी भूख और बढ़ेगी, तो मैं आपका भी खाना खा जाऊंगा जो आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। बाबा बिल्कुल ठीक है, चलिए जाइए। बाबा चलो चलो, वरना ये सब खा जाएगा। चलो आप खाओ आराम से खाओ बाबा। चलो अरे चाय, ये हुई ना बात। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे ये तो हो गई बिजली की बचत। बात सुने, ये जानी को आपने कहीं भेजा? मेरा लस्सी पीने को दिल चाह रहा था और जानी ने मुझे बताया कि पिछली गली में बहुत ही जबरदस्त लस्सी मिलती है, बस वो ही लेने भेजा। एक्सक्यूज मी, जानी मेरा मैनेजर है, मेरा मुलाजिम है, आप उसे ऐसे कहीं नहीं भेज सकते। किस तरह, किस तरह? मैंने कौन सा जाली वीजा पे उसे बर्तानिया भेज दिया? अब मेरा मतलब ये नहीं है, अब आई मीन कि कोई काम हुआ करे तो। तो क्या आपको बोलूं? जी नहीं, आप खुद कर लिया करें। अरे वाह वाह वाह, क्या ठंडी ठंडी लस्सी ले आया हूं, स्पेशल मलाई भी डलवाई है। अरे वाह भाई, ये हुई ना बचत। बाकी के पैसे? बकाए पैसे? अब जाने इनके पैसे वापस करो। इनके थोड़ी है, वो तो आपके पैसे जो आपने घर के खर्चे के लिए दिए थे उसमें से मंगवाई है लस्सी। क्या? अरे भाई यही तो होती है ना बचत, आप लोग समझ नहीं रहे। खैर छोड़ो, और ये लो, ये तुम्हारी तनख्वाह। ये तो आपका टैक्स कट गया। अरे अब ये क्या बदतमीजी है? अरे भाई बदतमीजी थोड़ी ना, देखिए गरीब बंदे को कम ही तनख्वाह दी जाती है, अगर वो ज्यादा पैसे देंगे तो ज्यादा खर्च करेगा, कम देंगे तो कम करेगा, तो हो गई ना एक और बचत। तो तुम एक काम करो, ये बल्कि ये लो, जाओ याशी कर। जिंदगी में पहली दफा पूरी तनख्वाह मिली, उसमें भी डाका डाल दिया। मैडम मेरा ख्याल है यहाँ से चलते हैं, ऐसा ना हो कि बचत के नाम पे हमारी किडनी ही निकाल ले और कहे एक किडनी से गुजारा करो और एक की बचत। यार जानी आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं एक काम करता हूँ, अपने बॉस को भी कॉल करता हूँ और बोलता हूँ यहाँ पर एक दो चार किडनी। जानी चलो निकलते हैं, निकलते हैं। चलो भाई ये तो जालिम आदमी है भाई।
अरे बाबा क्या बताऊं बाबा, वो महकमा बचत हो गई वालों ने ना बेड़ा ही गरक कर दिया है। महकमा बचत हो गई, ये क्या चीज है भाई? अरे बाबा तुम्हें नहीं पता है ये कैसा महकमा है जो बचत के तरीके सिखाता है, अपने बंदे घर घर भिजवा के ट्रेनिंग करवाता है बाबा लोगों की। अरे अब्बा सरकारी अफसर है तभी तो कह रहा है, ऐसा कोई महकमा होता ही नहीं है। क्या? मुझे तो लग रहा है कि ये कोई बहरूपिया है जो बहुत ही खतरनाक इरादे से तुम्हारे घर में घुस गया है। अरे बाबा ये तो बहुत खतरनाक बात हो गई है। मैं तो कहता हूँ फौरन पुलिस को इत्तला कर दो बच्चू भाई। हाँ बाबा ठीक है बाबा तुम लोग निकलो, मैं करता हूँ। निकलो बाबा निकलो। चलो ओके लाफिस। हेलो हाँ बिग साहब। ये ले ये लो बाबा सारी ज्वेलरी है ये। लेकिन बचतारा साहब ये सब कुछ 15 दिन में वापस तो आ जाएगा ना? हाँ क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। भाई साहब मेरी सैलरी तो वापस कर दे, शाम को टैक्स दिया तो था। भाई अगर तुम अपनी तनख्वाह 15 दिन के लिए और आप लोग अपनी ज्वेलरी हमारे इदारे को 15 दिन के लिए देंगे तो हमारे इदारे की पॉलिसी है कि इसको डबल करके हम आपको देंगे, तभी तो होगी ना बचत। 15 दिन में डबल? ऐसा करो कि साल के लिए रख लो, बड़ा 100% तो अपन लोगों को मिलेगा ना। अरे क्यों नहीं भाई, तो मिलते हैं एक साल बाद, खुदा हाफिज। हाँ अरे बाबा इतनी भी क्या जल्दी है बचतारा साहब, आओ ना बाबा आओ। हाँ बाबा देओ देओ इधर दे। अरे बाबा देओ इधर। अरे मगर ये तो एक साल में आने वाले थे, इतनी जल्दी आ गए? अब ये एक साल के लिए नहीं बल्कि 5 साल के लिए जेल जाएगा। बेग साहब आप लगता है कोई फजूल सा ट्विस्ट डालने आए। अरे नहीं बाबा फजूल में नहीं आए हैं, इनकी तो जरूरत ही इस वक्त पड़ती है ना, वरना तो हमें चारों काफी है। लेकिन बेग साहब आप आए क्यों हैं? अरे मैडम ये कोई किसी इदारे का आदमी नहीं है बल्कि ये तो एक खतरनाक फ्रॉडिया। क्या? इसका मतलब ये कि ये हमारा सामान लेके भागने वाला था? जी हाँ, और मैंने अपनी जान पर खेलकर इस खतरनाक मुजरिम को गिरफ्तार किया है। चलो एक मिनट वो इसमें से एक अंगूठी तो लेने देना। हाँ बेटा पहले तू जेल चल, वहाँ तेरी मंगनी कराऊंगा, फिर अंगूठियां ही अंगूठियां। चल भाई अल्लाह का करम हो गया, बंदे का पता चल गया, बड़े नुकसान से हम बच गए। चलें जब तक मैं खाना ले आता हूँ। अरे एक मिनट भैया, 4 लोगों का खाना लाने से बेहतर है 2 लोगों का लाना, इसी तरह तो होगी बचत। तेरी बचत नहीं है। कुछ भी करो बच्चे को ढूंढ के लाओ, अब बच्चों का पता लगाने पे ना मैं तुम्हें पूरे 50,000 रूपए इनाम दूंगी। 50,000 रूपए इकट्ठे? कम है। क्या हो गया, क्या जहाने फानी से कुछ कर गए? बकवास बंद करो अपनी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा आधा घर छोड़ के चला गया? ये सब कुछ इस बोर्डम की वजह से है, जानी भला अब मेरी शादी कौन कराएगा। हर जगह पता कर लिया, दोस्तों में रिश्तेदारों में, कहीं पता नहीं चल रहा बच्चों भाई का, तेरी कहाँ चले गए या अल्लाह। फोन भी बन जा रहा है उसका। फोन भी बन जा रहा है। मसला ये है कि मेरा शौहर जिसका नाम बच्चू है वो सुबह से गायब है और उसका फोन भी बंद है। आखिरी दफा उन्होंने किसी को कहता तो नहीं था? अरे बाबा मैं मानती हूँ ये मेरी भाचा ही जो ना मेरे अदा के गले में पटा डाल के रख दिए, लेकिन मेरा अदा किसी को काट नहीं सकता। जो कहीं भी चला जाए आखिर में आता इन्हीं के पास। लेकिन ये किसी की बीवी तो नहीं लग रहे? नाजीना मैं किसी की बीवी नहीं हूँ, लेकिन बीवी को बेवत तक के सफर में पहुँचाने में मेरा अहम किरदार है। अरे बताओ तो भला क्या कह रहे थे? क्या हो गया? बेग साहब कह रहे हैं कि अगर रात तक शौहर घर ना आए तो बीवी को बेवा बनने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बस मुझे 10 मिनट दे, मैं तैयार होकर आता हूँ। अरे वाह शादी मुबारक, रुकावट तो गई। इम्प्रोवाइज़ नहीं मतलब क्या?